तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे NIT उत्तराखंड के बारे में। अगर NIT उत्तराखंड के डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूँ तो 2010 में इसका इस्टाब्लिश हुआ था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भैया, ये तो 2009 में ही हुआ था। देखो यार, 2009 2010 ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कि NIT की हो सकता है 2009 में इसका इस्टाब्लिश हुआ था, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो इसका NIT का टैग मिला था वो 2010 में मिला था। सो आई होप द डेट ऑफ बर्थ को लेके आपको उतना झंझट वाली बात नहीं है, लेकिन इतना समझ सकते हो जो भी नए NIT है उनमें से ये वन ऑफ देम है। अगर बात करें इसके NRF रैंकिंग के बारे में, 186। देखो यार, कुछ जो नए NIT है ना, उनमें से काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जो कि NRF रैंकिंग में आते ही नहीं हैं। इतने नए NIT होने के बावजूद इसको NIT रैंकिंग 186 हो सकता है आपको देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लगे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत, मतलब इतना काफ़ी काफ़ी है इतने इसके लिए। अगर कैंपस साइज की अगर बात करूँ तो 300 एकड़ में फैला हुआ है। आप इसका यूट्यूब में जाके इसका टूर देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। हाँ, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से ऐसा लग सकता है कि किसी मोहल्ले में आप लोग आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पहाड़ या सराउंडेड बाई पहाड़ों से इसका ये जो कैंपस है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो काफ़ी आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी, स्पेशली इफ़ यू आर लाइक एडवेंचर टाइप्स। हर इंसान के अंदर एडवेंचर रहा है, तो आई थिंक आपको ये कैंपस काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी हम देख लेंगे कि इसके पढ़ाई क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, इंटर्नशिप के बारे में क्या है। अगर बात करते हैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, देखो यार, एज यूजुअल हर NIT की तरह आपको सबसे पहले तो आपका 10+2 का कोई भी डिग्री होना चाहिए, 10+2 का डिग्री होना चाहिए विथ PCM 60%। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो 60% का क्राइटेरिया है वो जरूरी नहीं कि हर NIT में लागू हो, कुछ NIT में रिलैक्सेशन मिल जाता है, स्पेशली फॉर द स्पेशल कैटेगरी लाइक SC ST PWD स्टूडेंट के लिए। लेकिन हाँ, इतना मान सकते हो जो भी मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ 99% NIT के लिए कन्फर्म है, लेकिन बाकी 19-20 नीचे ऊपर हो सकता है। अगर इसके बाद आपको अगर ऐसा रहता है, इसके पास 10+2 का डिग्री रहता है, तो आपको JEE मेन देना पड़ेगा। JEE मेन में अगर अच्छा स्कोर आता है तो आपको जूसा काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आई होप एडमिशन क्राइटेरिया इज़ क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द फीस। फीस के मामले में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, हर वीडियो में मैं आपको जैसे कि बताता आया कि जो बच्चे हर किसी के लिए जो भी फीस होता है वो हर किसी के लिए सेम नहीं होता है। कुछ बंदों के लिए अलग कम फीस पे करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम दोज फैमिली हुज फैमिली इनकम इज़ ग्रेटर देन 5 लाख पर एनम और लेस देन 5 लाख पर एनम और 2.5 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम और लेस देन 1 लाख पर एनम, हर एक के लिए सेपरेटली आपको अपने अपने जो भी हर एक के लिए अलग अलग फीस क्राइटेरिया दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दिया, जो जनरल एंड OBC कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रथम टाइटल पे आपको दिख रहा होगा, फॉर द जनरल OBC कैटेगरी स्टूडेंट हुज एनुअल फैमिली इनकम इज मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है, उनको ये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं इसके अलावा, जनरल और OBC कैटेगरी स्टूडेंट हुज एनुअल फैमिली इनकम इज बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख के बीच में जिनका वैरी करता है फैमिली इनकम, उनको ये पे करना पड़ेगा, इतना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर बात करें इसके अलावा, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो SC ST PWD जैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर आप OBC कैटेगरी में आते हो लेकिन आपका 1 लाख से OBC या जनरल कैटेगरी में आते हो बट आपका जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से नीचे है, तो आपको ओनली 7,000 के अराउंड आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा हर सेमेस्टर के लिए। आई होप द फीस के मामले में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसके जो भी कट ऑफ के मामले में। कट ऑफ देखो यार, फीस तो हो चुका है, चलो फीस कहीं से भी हम जुगाड़ करके लगा देंगे, लेकिन बात ये आती है, जब तक आपको आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पढ़ाई रुके किसी भी हालत में। मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे बच्चे मैंने सुना है कि पढ़ाई उनका जो भी होता है कि पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं होती, तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, जो भी कट ऑफ के मामले में सबसे पहले आपका अच्छा कट ऑफ रहा ना, तो ऐसे लाखों अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उसके मामले में मैं कट ऑफ के मामले में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप
अपने पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से, आपको कौन सा ब्रांच पसंद है उसके हिसाब से आप कटअप देख लें एंड अपने पेन पेपर कॉपी में नोट करके रख लें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में ये मदद हो रही है होगी। कि अगर बात करते हैं इसके जो भी राउंड 6 के, जैसे कि आपको पता है कि जोसा काउंसलिंग का टोटल 6 राउंड होता है, इसके अलावा 2 स्पेशल राउंड किया जाता है, ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। राउंड 1 का पहले ही मैंने दिखा दिया, अब राउंड 6 का यहाँ पे कटअप मैंने दे दिया, आप आराम से इसे पढ़ लें, इसे देख लें, नोट करके रख लें, अपने अपने पसंदीदा अपने अपने जैसे आपको अच्छा लगे वो करें। बात कर लेते हैं कटअप के अलावा जो भी हॉस्टल के मामले में, हॉस्टल के मामले में हॉस्टल का जो भी फीस कौन सा सेमेस्टर में कितना पे करना पड़ेगा वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी का फीस कितना देना पड़ेगा हर सेमेस्टर में, उसके लिए भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे देयर शैल बी एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ दिस अमाउंट। कुछ होते हैं ना कि आप जिस फ्लैट में रहते हो या फिर जिस जहाँ पे रेंट में रहते हो उसका भी अमाउंट हर साल महंगाई बढ़ती है, तो इसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत इसका जो फीस बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूर बढ़ेगा या बढ़ सकता है, आप इसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे पढ़ लें, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आ जाता है कि जो कि हॉस्टल के मामले में, देखो यार हॉस्टल के मामले में सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है इनके वेबसाइट में वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड एस्टैब्लिश इन 2010 हैज करेंटली 7 हॉस्टल फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इट्स टेम्पररी कैंपस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पॉलीटेक्निक श्रीनगर, जो कि उत्तराखंड में है, श्रीनगर में है, जो कि गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक उसके अंदर ही है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होम्स अवे फ्रॉम द होम, हॉस्टल अवेलेबल इन द कैंपस प्रोवाइडेड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स विद द प्रॉपर केयर। इंस्टीट्यूट हैज रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर 600 स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी बड़ी नंबर होती है 600 स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट हैव 5 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल हैविंग रूम्स अवेलेबल ऑन शेयरिंग बेसिक 2 or 3 सीटर, accommodating maximum institute students in the comfortable and the conducting manner। बात कर लेते हैं उन 7 हॉस्टल का, किस में कितना रूम है, किसका किसके लिए कितना, उन 7 हॉस्टल में बॉयज कितना है वो पे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा हॉस्टल के मामले में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी कॉन्टैक्ट रहा है, काफ़ी सारे टाइम में ऐसा होता है कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी ज़्यादा मिलना मुश्किल होता है, आप यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट जो भी कौन सा हॉस्टल के लिए कितना कॉन्टैक्ट कौन किसके साथ आप कनेक्ट हो जाए उसके हिसाब से मैंने मेंशन कर दिया, जो कि आपको एक एडमिशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आया था कि जो क्लब्स के बारे में, हाउ इज़ द क्लब्स, कितने क्लब्स हैं। देखो यार वैसे तो काफ़ी सारे क्लब हैं, उनमें से काफ़ी पॉपुलर क्लब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लाइक किक जो कि फोटोग्राफिक का क्लिक जो भी फोटोग्राफिक क्लब है, लिटरेरी सोसाइटी है, डांस क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है जो कि कलम रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा मूवी क्लब है माउंट, इसके अलावा QNA क्लब है, इसी तरह बहुत सारे क्लब है, आप अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने पसंद के हिसाब से इसमें ज्वाइन हो सकते हो। बात कर लेते हैं इसमें क्लब्स में ज्वाइन होने का फ़ायदा क्या है, तो यार आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगी, आप खुद को इवन इफ़ यू आर लाइक समथिंग लाइक कि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ज्वाइंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगता है किसी भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, अपने जो भी कुछ कला है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कला होती है, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट होती है, आप यहाँ पर निखार सकते हो, इसलिए इसमें ज्वाइंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें इसका और एक क्या फ़ायदा, आपको कुछ मतलब एकेडमिकली फ़ायदा के बारे में बात करें तो हाँ, प्लेसमेंट में बहुत थोड़ा बहुत मदद करता है, कई जगहों में बहुत ज़्यादा, कई जगह में थोड़ा बहुत मदद करता है, अब कैसे मदद करता है वो मैं आगे चल के बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में, देखो यार प्लेसमेंट के मामले में एक ही चीज़, उससे पहले प्लेसमेंट शुरुआत करने से पहले एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लेसमेंट आखिर होता कैसे है, मतलब आपको प्लेसमेंट मिलेगी कैसे। आप कॉलेज में ऐसे तो नहीं है कि आप 4 साल डिग्री कंप्लीट कर लो और ये लो आपके लिए जॉब है, ऐसा नहीं होता। कि प्लेसमेंट का एक प्रोसीड्योर होता है, आपको प्रोसीड्योर फॉलो करना होगा। अब काफ़ी टाइम में ये होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते, मतलब बहुत देर से उनको पता चलता है कि प्लेसमेंट प्रोसीड्योर, लेकिन आप अगर पहले से ही जान लोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाती है आपकी तैयारी में या फिर आपकी प्रिपरेशन में, काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके जो कि प्लेसमेंट प्रोसीड्योर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लगभग सब कॉलेज के, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ना ले रहे हो तब भी मैं आपको बताऊंगा, जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो इस प्लेसमेंट प्रोसीड्योर को देख लें, 99% चांसेस है कि हर कॉलेज का प्लेसमेंट प्रोसीड्योर सेम है।
बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में आगे कुछ डाटा एनालिटिक के बारे में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मुझे मिला है, लाइक अब कौन सा ब्रांच में कितना स्टूडेंट्स हैं, कितना को प्लेसमेंट मिला है एंड अभी तक कितना प्लेसमेंट मिला है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट की जो भी हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, इस ये तो हो चुका है। देखो यार वैसे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट द हाईएस्ट पैकेज ऑफर 3 लाख एज 34 लाख पर एनम टॉप रिक्रूटर्स ऑफ NIT उत्तराखंड जो कि ICL है, DSO है एंड विप्रो इंफोसिस जैसे हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि लाइक यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हो जो कि लाइक अभिषेक सिंह जो कि DSO में उनका हुआ है एंड या इसके अलावा एडोबी काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज देती है लाइक फॉर द NIT जो कि स्टैंडर्ड पैकेज है एडोबी का 49 लाख प्लस इसका पैकेज है। इसी तरह बहुत ही टॉप कंपनी यहाँ पे बिलोंग करती है, बहुत ही टॉप कंपनियाँ आती है प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए। इसी तरह अगर बात करते हैं प्लेसमेंट कौन सा कंपनी कितने पे करती है, लाइक LPA क्या होता है, CTC क्या होता है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा मतलब आप समझ नहीं, आप फाइनल ईयर में जाओगे आपको प्लेसमेंट के बाद भी ये इन्फॉर्मेशन शायद नहीं है। आपके अगर सीनियर कोई है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके भैया या फिर दी आपके जो कि ऑलरेडी जॉब करते हैं उनको भी ये शायद डाटा नहीं है, तो इस बात पे तो लाइक बनता है एटलीस्ट एंड शेयर करके बताओ कि फना कंपनी इतना पे करती है, तो उसी के हिसाब से आपका तैयारी आसान होगा और भी अच्छे तरीके से होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कौन सा कंपनी, फॉर एग्जांपल लाइक इंफोसिस जो भी देता है 5 लाख पर एनम, लाइक यहाँ पे सीवेंट जो भी होता है वो 14 लाख पर एनम देता है, 8.22 लाख पर एनम देता है जो कि ओरेकल IT सर्विस एंड IT कंसल्टेंटिंग, इसके अलावा 8 लाख पर एनम देता है जैगल। इसी तरह हर एक कंपनी में आपका पसंदीदा आपका टारगेट एक होता है यार, मान लीजिए इंजीनियरिंग में जाते हैं किसी को गूगल में काम करना है, किसी को अमेजन में काम करना है, किसी को फेसबुक जैसे काम करना है, अब तो फेसबुक बोल भी नहीं सकते आपको मेटा बोलना पड़ेगा, मेटा में काम करना है, तो उसी तरह हर किसी का एक सपना होता है, तो उसी के हिसाब से आप अपना देख लें एंड उसका जो बाकी उसमें एंट्री कैसे लेनी है मैं आने वाले टाइम में और भी डिटेल्स में बता दूंगा कि उसका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस क्या ऑफर होता है। अब ऑन कैंपस तो चलो ऑन कैंपस ये ऑफ कैंपस का क्या लफड़ा है थोड़ा बताइए भैया। देखो यार ये मैं आगे चल कर बताऊँगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे लाइक बाकी का जो भी जो कंपनी यहाँ पे देती है एडोबी हो चुका है, एडोबी जैसे यहाँ पे देख लिया 36 लाख पर एनम देती है, इसके अलावा 14 लाख पर एनम देते हैं इनोविसर जैसे कंपनी देती है एंड या एट्स दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट कौन सा कंपनी कितना देती है। अगर प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि फैसिलिटी फॉर द रिक्रूटर्स, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ये अपने अपने हिसाब से पढ़ लेना, लेकिन जो भी बहुत ही मतलब की पॉइंट है ना जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है वो ये है कि ऑफ कैंपस फैसिलिटीज। देखो यार यहाँ पे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, द इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द रिक्रूटर्स टू द कंडक्ट द प्लेसमेंट प्रोसेस इन द सिटीज लाइक दिल्ली एंड ऋषिकेश, फैसिलिटीज लाइक हॉल्स रूम्स एंड LCD प्रोजेक्टर्स एंड ऑडियो सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट एट दिस लोकेशंस, द इंस्टीट्यूट अलाउ स्टूडेंट टू विजिट कंपनी द फाइनल इंटरव्यूज इट फाइनल इफ द फर्म डिमांड्स सो। देखो एक काफ़ी मतलब ये चीज़ है ना ये आपके लिए जैम है, जैम समझ सकते हो ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लाखों बोलना भूल होगा, ऐसे हज़ारों कॉलेज हैं जिनको आपको लगता होगा कि आपको प्लेसमेंट का कॉलेज को आपको आपके प्लेसमेंट के लिए कुछ सोच रहे हैं कुछ, ये नहीं ऐसा नहीं है, वो अपना मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको बोल देंगे कि प्लेसमेंट के लिए पढ़ो या ये सब करो, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके प्लेसमेंट होता है भी या नहीं है। लेकिन जो कि इस कॉलेज की सबसे बड़ी खास लगी है ना ऑफ कैंपस फैसिलिटी, मतलब ऑन कैंपस एक होता है कि आपको कॉलेज में आता है कंपनी आपके बच्चे को ले आपको जॉब ऑफर करता है और ले जाता है, और एक होता है कि आपको अलग से कंपनी में आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके थ्रू ही आपको कंपनी में जा सकते हैं। कुछ ऐसे कंपनी है अब उनमें उसको सेपरेटली आपको खुद से करना पड़ेगा, लेकिन एक कॉलेज जो है NIT उत्तराखंड वो काफ़ी सही है जो कि ऑफ कैंपस फैसिलिटी एक खुद से कंडक्ट करती है। मतलब इसने मेरे को इसमें इस चीज़ में या मतलब इस चीज़ ने मेरे को दिल जीत लिया भाई,
एनआईटी उत्तराखंड का सबसे काफी सही है, मतलब इसका प्लेसमेंट अगर 10 लाख बार है ना, हाईस्ट लाख हाईस्ट होता ना, तब भी मैं मतलब इस चीज़ के लिए इसको 9 out of 10 का जो भी स्कोर दे देता, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं करता यार। आप देख लेना ऑफ कैंपस, वो भी कॉलेज से कराता है, इट्स रियली 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 मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये गुड अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ग्रैब कीजिए। मतलब ऐसा कॉलेज में अगर आपका थोड़ा एक आपको ऐसे कॉलेज मिल रही है तो डेफिनेटली आप कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए। एक इसके लिए आपको ऐसे ऐसे व्यवस्था, ऐसे जो फैसिलिटीज़ आपको कभी नहीं, बहुत ही कम कॉलेज में मिलती है, गिने चुने कुछ कॉलेज में मिलती है। मैंने जितने भी रिव्यू डाला अभी तक तो किसी में भी नहीं है, लेकिन हाँ इस कॉलेज का मैंने मेंशन कर दिया है। तो या दैट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट। अगर प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना और मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा। अब आ जाते हैं कि एलुमिनाई के बारे में। देखो यार, एलुमिनाई के बारे में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, देखो बहुत सारा पॉपुलर एलुमिनाई नहीं है जैसे कि किसी कंपनी के CEO या फिर कुछ ऐसे लाइक अगर आप ऐसे उम्मीद कर रहे हो, लेकिन हाँ उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एलुमिनाई जो कि मुझे मिला था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड अगर बात कर लेते हैं इसके एलुमिनाई के अलावा जो कि फेस्ट के मामले में, या फेस काफ़ी सारे होते हैं, उनमें से 5 इवेंट्स सबसे बड़ी बड़ी होती है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आप फेस्ट के मामले में थोड़ा YT में जाके इसका वीडियो वगैरह देख सकते हो, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लगेगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फेस्ट, ऑल अबाउट द NIT उत्तराखंड। अगर आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट को मैंने छोड़ दिया है या फिर किसी भी पॉइंट में और भी ज़्यादा मुझे बात करना चाहिए था तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल अबाउट द NIT उत्तराखंड और एक नई वीडियो के साथ।